वी आर इन जिंगजिंग बार वन एट द मोमेंट एंड अभी हम एक यू नो इंस्पिरेशनल साइकिलिंग बंदे से मिले हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास, स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, कल मैं रुका हुआ था HTRC के बस स्टेशन पे, और वो जो स्टेशन है वो आपका आता है केलोंग में आता है। मैं केलोंग से मैं निकल रहा हूँ अभी सिसु के लिए, जो कि यहाँ से 115 किलोमीटर के आसपास है, पर यह है कि पूरा चढ़ाई होने वाला है, तो मैं चलता हूँ टाइम से, क्योंकि टाइम हो चुका है 6:40 के आसपास, तो चलते हैं दोस्तों। और ठंडा बहुत है आपको अभी सुबह के टाइम पर। दोस्तों, सामने पर है केलोंग का बस स्टेशन, और सामने देखिए हिमालयस, देखिए कितने प्यारे और अद्भुत दिख रहे हैं। दोस्तों, चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट, लेकिन एक चीज़ दिक्कत वाली है, ऑक्सीजन की कमी तो है, क्योंकि 100 मीटर में सांस ऐसी फूल ली, क्या बताऊँ आपको, कि जैसे कि मैंने कभी साइकिलिंग की ना हो, और ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, अब ऐसे ही मिलेगा पूरा लेह तक का, बहुत कम मिलेंगे मुझे गाड़ी वाले ट्रक वाले। देखिए फिर ऐसा रास्ता है, और इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, एक पेड़ नहीं है इनमें, जितना मैं हाइट की ओर जाता रहूँगा तो उतने पेड़ कम होते रहेंगे, और उतनी ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहेगा। दोस्तों, आप जाके थोड़े बहुत पेड़ आए हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इससे क्या है ना, इससे काफ़ी हद तक का अब सांस ज़रा कंट्रोल में आ रही है, काफ़ी हद तक का, ऐसा नहीं है कि बहुत कंट्रोल है, लेकिन काफ़ी हद तक का अब सांस में थोड़ी सी फर्क है। और देख रहे हो आप, आवाज़ भी चेंज दिख रही है आज, क्योंकि एक तो ठंडा ही बहुत है, जुकाम भी हो रहा है, ऊपर से मतलब हर चीज़ से मार पड़ ली यहाँ पे। चलिए, ओहो, ये तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, जिस पर है दोस्तों 15 किलोमीटर, और यहीं तो कब पहुँचते हैं मेरे, उसके बाद बढ़ेंगे आपका 12 लाचा के लिए, जो कि बहुत ही हाईएस्ट पास है, तीसरे नंबर पे आता शायद वो हाइट पे, जैसा भी होगा मैं आपको उसकी जानकारी वहीं पे जाके दूंगा। और आप इन सुंदर सुंदर प्राकृतिक के इन सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद उठाइए। दोस्तों देखो, वो वहाँ से आया आपका भाई, ऐसे 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 यहाँ को आया है, अब फिर यहाँ पे पहुँच चुका है, वही रास्ता आपका ऐसे घूम के यहाँ पे आ रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर पता नहीं यहाँ से शायद इंद्रदेव के पास जाएगा, फिर वहाँ से उतरेगा शायद, इंद्रदेव के स्वर्ग पहुँचते हैं शायद आज हम। दोस्तों, मौसम काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं ऊपर बादल हैं, पर यहाँ को धूप अच्छी बात यह है, और यह है देखिए तो गाड़ी है यार, गाड़ी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाँ तो हमें फ़र्क पड़ रहा है भैया। लेकिन दोस्तों, मेन चीज़ जहाँ पर मुझे जाना है, सर चू आपका बच चुका है यहाँ से 97 100 से नीचे आ गया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इस पर आ गया 14। मुझे जो मेन पास पड़ने वाला वो है 12 लाचा, जो अभी यहाँ से होगा 60 के आसपास होगा, 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर मुझे भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, कुछ भी कहो यार, हेवन तो है, स्वर्ग से कम नहीं है, पर एक चीज़ है, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है बस, बाकी तो सब चीज़ बढ़िया यार, बहुत शानदार जगह है, जो कुछ भी कहो बहुत शानदार जगह है, मेन चीज़ ऐसी गंदगी नहीं है, है ना, पर कहते ही दिख चुकी है मुझे बियर की बोतलें, शराबी कहाँ कहाँ नहीं है, मैं समझ बात नहीं आ रही है। दोस्तों, यह है दारचा वैली, और आर्मी के ट्रक बहुत आ रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, और ही देखिए जिंग जिंग वार, जिंग 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 आसमान में बजा दे, कहता रहा हूँ आज मैं इंद्रदेव से मिल के आऊँगा। दोस्तों, कम से कम 8-9 तो ठेले के सामने सामने अभी भी आ रहे हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं, क्योंकि मैंने पहुँचना आगे, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, टाइम 11 बजने वाला है, और अभी मुँह हाथ धोया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि धूल बहुत हो रही थी, चलते हैं यार आगे को। दोस्तों, यह आपके सामने दारचा गाँव, यहाँ पे होंगे 50-60 घर होंगे यहाँ पे, और बाकी होटल्स हैं, कैंपिंग टेंट हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़ की सुविधा इस जगह पे उपलब्ध हो जाएगी। 12 लाख पास कितना बचेगा, 42। मैं सर, मैं था आपका केलोंग में था, चला सुबह वही 6:40 का सुबह। अरे यार, बड़ा टाइम लगा दिया तूने सर, चढ़ाई भी था सर, डाउन भी है सर, एक तो सामान ज़्यादा है, तो वो हाँ सर, ये है टेंट, टेंट है हाँ, खाने का सामान, खाने का सर होटल में रुकने के बाद अपना टेंट लगाए जी। दोस्तों के साथ टूर प्रोग्राम करता यार सर, एंजॉय करते दोस्त साथ में है? गाड़ी गुड़ी लाता बढ़िया सर, तेरा वो कन्याकुमारी से जम्मू वाला तो नहीं है साहब, पूरा ट्रैवल कर रहा है? नहीं नहीं सर, जाएगा मैं जाऊँगा सर लेह, उसके बाद आपका खारदुंगला पास जाऊँगा, पैंगोंग, उमलिंगला पास,
उसके बाद कारगिल, फिर अमरनाथ, फिर वैष्णो देवी। हाँ फिर जाऊँगा घर को जी। नहीं मैं साइकिल के भगवान था इधर वहाँ पे सही बात है, घर वालों ले लगा तो बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यह है पुलिस की चेक पोस्ट। यहाँ पे सर ने मेरा आधार कार्ड मांगा था, मैंने आधार कार्ड दिया, उन्होंने मेरी एंट्री वेंट्री की है। तो चलते हैं आगे को। सामने से आया था मैं और ये रहा पुल और ये रही रोड। इजली आगे को जाना है। दोस्तों यह है पूरा आपका दारशा गांव और मैं बताने को हो, देखिए वो रोड से यहाँ पहुँच गया ऊपर को। अभी भी ऊपर को जाना है, अभी 12:45 तक मुझे डाउन नहीं मिलेगा, उसके बाद में डाउन मिलेगा। दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ जिगनिंग बार और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, चाय पीती, अभी पड़े हैं सुबह से पाल नहीं थी, पड़ा था एक वो भी आधे से कम है, वो खाऊँगा। मैंने कहा यहाँ पे खाने की दुकान है, कोई करें नहीं है, आगे मिलेगी। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कहाँ पे खाएंगे कुछ ना कुछ, और साइकिल पे चलेगी होटल। दोस्तों फाइनली आपका भाई पहुँच चुका है दीपक ताल पे। दोस्तों जो दीपक ताल है ना, इसकी ऊंचाई है 3,750 फीट और जो इसकी खासियत है कि इसका पानी बिल्कुल एकदम शीशे की तरह छिपता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। दोस्तों मैंने अपना ये दोस्त बुला रखा, भी आता ही होगा, आजा ये कितना बढ़िया हो रहा है, तुझे चलना मेरे साथ ले चलना है, हैं क्या कह रहा है, खाने के लिए नहीं यार, पूछे मैं खिला देता तुझे भाई, नहीं मना सुना थी, बस कर हो गया। ए बस कर भैया, मान जाओ थप्पड़ मारो तो पूजा फट, कहाँ से गंदा हो क्या रहा है, इतना पहाड़ में रहता है, हैं अकेला तू, यहाँ अकेला तो नहीं, बड़ी तष्टा कट्टा हो रहा है, चल मेरे घर से, चल मेरे साथ चल, इसी का सहारा है दोस्तों। इंसान तो बोल नहीं रहे तो सही बात करनी पड़ेगी मुझे, कुत्ते नहीं है यार ये सबसे वफादार प्राणी है, अरे बैस कर सारे मारो वहाँ पर। दोस्तों रोड पूरी ख़त्म हो रही है, पैदल पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि ये नाले का उससे पूरी खत्म हो पीछे को भी, आगे भी देखते हैं कहाँ तक, अभी काम भी चल रहा है आप देखिए, जैसे भी देखिए। मैं तो चाह रहा था दोस्तों या तो पैदल जाऊँ या ढाल मिल जाए, ढाल मिली नहीं तो पैदल सीख कर, पूरा जाम लग चुका है और गाड़ी भी पलट गई, देख रहे हो ऐसी रोड हो रही, गंदी रोड पूरे में, ताकि ऊपर से पानी वानी ना आ सके इसमें जी। अच्छा पीछे तो बहुत बुरा हाल था अभी। दोस्तों छोटा सा ग्लेशियर में पानी तो देखिए कितना आ रहा है इसमें, इतना पानी होता कहाँ होगा इसमें, और ये तो अभी साबुत ही खड़ा है, हो सकता है कि इसके ऊपर वाले गलत हों। और सामने है आपके जिंगजिंग बार। दोस्तों देखिए कितना छोटा है बेबी, हाँ बेबी क्या हो गया, किसने मारा, क्यों मारा उसने तुझे, मारा तुझे उसने, मारा क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो अभी, तुम अकेले हो यहाँ पे, पापा जब शाम को आएंगे ना उनसे कहना ठीक है, हाँ खाना पीना खा लिया, अच्छा हेलो मिलते हैं ठीक है बाद में, बाय बाय कर दो, चॉकलेट नहीं है ना, पक्का देता है यार, कुछ भी नहीं है मेरे पास तुमसे, नहीं है ना चॉकलेट, अगर कभी दुकान होती मैं तो भी देता, चॉकलेट नहीं है, मना नहीं करता वरना, ठीक है जब आऊँगा, ये मैं क्या पीऊँगा फिर, ये पानी पीने वाला है, ये भी ऐसा ही पानी जैसा आ रहा है ना, नॉर्मल ऐसा ही वाला पानी है, ऐसा ही पानी है, ठीक है जब मैं आऊँगा ना वापस आऊँगा या और अभी आऊँगा, हैं क्या कह रहे हो, हाँ मैं जब आऊँगा ना, सुनो मैं जब बाद में आऊँगा ना तो लाऊँगा, ठीक है पक्का, बाय बाय। दोस्तों मज़ा आ गया भाई, सुनो चॉकलेट मांग रहा था, रह नहीं खाता तो बाद में देखेंगे कभी और कभी आना होगा।
दोस्तों मैं तो एक चीज़ चेक करता हूँ, अगर ट्रक वाले ने गियर चेंज कर दिया और तेज जा रहा है तो मतलब रास्ता प्लेन है, जैसे गया तेज मतलब अभी रास्ता ठीक है। अगर ये पूरी जान से खेच रहा है फिर भी नहीं चल पा रहा है तो मैं समझ लेता हूँ कि मिलने खतरे की घंटी है। दोस्तों चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे को, थोड़ी जाना चाहिए। दोस्तों होठ सूख के पूरे फट गए हैं हवा से, अब अगर ये लगाऊँ तो सांस मिली, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इस जगह पे पेन हो रहा है। अगर ज़्यादा साइकिल चला दिया, अगर मान लो कि 150 मीटर खींच दी जिस चढ़ाई में, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि ऊपर के ऊपर खींच की खींच हो जा रही है और पैर में पूरा दर्द में दर्द। एक्सपीरियंस तो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। दोस्तों जहाँ से धुआं उठ रहा वहाँ से आया हूँ मैं ऐसे घुमा के यहाँ पहुँचाया, अभी इसने पता नहीं आगे कहाँ घुमाता है यार। दोस्तों मजाक चट के ना मेरे यहाँ जहाँ पे बड़ी पेन हो रहा है, अब इसका कारण ये कि एक पेड़ नहीं है यहाँ कोई, पेड़ होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती तुम्हारे भाई को, कोई बात नहीं झेल लेंगे, चलते हैं ऊपर को। सो वी आर इन जिंगजिंग बार वन एट द मोमेंट एंड अभी हम एक यू नो इंस्पिरेशनल साइकिलिंग बंदे से मिले हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी भैया मैंने उत्तराखंड से किया है शुरू और आज मुझे 7 बार दिन है और अभी मैं जा रहा हूँ आपका सर्टिफिकेट लिए, और मेरा अभी होना है आपका कारगिल होना है, ले होना है, खारपुला पास है, पेंगोंग है, उमलपुला पास है, अमरनाथ है। भाई इतना ज़्यादा और कितने दिनों में ख़त्म करने का प्लान है आपका? सर शायद 1 से 1.5 महीने के बीच में पूरा हो जाएगा। क्या बात है, यू आर मतलब इंस्पिरेशन। और आप कितना? आपका 7-8 हज़ार किलोमीटर हो जाएगा। और आपके पास साइकिल कौन सी है? मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि आप बिना गियर वाली साइकिल चला रहे हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो? तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो मतलब बिना गियर वाली साइकिल? अच्छा बढ़िया यार, मतलब यू आर इंस्पिरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। यस अभी क्या है ना, पहुंचने वाला हूँ आपका 12 लाथा पास और यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, मैं सही से मजा कर रहे अभी मुझे कुछ साइकिलिस्ट मिले थे यार, फिर तो भैया आ जा रहा हमारे साथ ही रुके, मैंने कहा यार इतना समय नहीं, मैंने कहा मैंने अपनी यात्रा को टाइम से करना है कम्प्लीट, तो मैं आगे को आ गया हूँ और अंधेरा हमारा भी, तो मैं आपको मिलता हूँ आगे। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और तुम्हारा भाई पीछे चले जाए, क्योंकि मैंने आज सर चुप पहुँचना है किसी भी हालत में, चाहे मैं कल वहाँ से सुबह देर में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी सर्च पहुँचना किसी बात। यहाँ पे आपका कहीं 12 पास और कहाँ कदम से आ रहा हूँ यार, व्यू देखिए आप। दोस्तों अभी भी आप टूर करने की सोच रहे हैं ना, सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत बनाइएगा कि आपको कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अपने अगर टारगेट में पहुँचना है तो आपको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मेरी हालत खराब है पर मैंने पहुँचना अपने टारगेट में, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पहुँचना है, ठीक है। दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और क्या हुआ ना, मैं तो जा रहा था सीधे 12 लाथा पास के लिए, जैसे कि आपने देखा था, तो आगे क्या हुआ ना कि मुझे 2-3 बंदे मिले, तो उन्होंने कहा यार आगे बाढ़ बूढ़ भी आ रही है तो आगे आप मत जाइए, और आगे मौसम भी ख़राब हो जाता है पास के पास क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपका दोबारा आ चुका हूँ आपका जिगजैग, क्या कहते हैं इसे, मैं नाम बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हैं अपने ब्रिजेश भाई हैं जो कि मनाली से टूर करवाते हैं, तो वो मिले, वो भी उत्तराखंड से, उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, तो उन्होंने उन्होंने खाना पीना खिलवाया यार, बड़ा अच्छा आदमी। तो और ये जो स्लीपिंग बैग है उनका ही है और ये -18 में काम करता है, और अगर मेरा वाला तो +15 वाला है, तो मेरी तो हालत खराब आ आज, तो अच्छा आदमी है। और कह रहे थे और कोई दिक्कत होगी तो बताना, कह रहे थे कल आपकी साइकिल भी ठीक कर देंगे, कह रहे थे टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, तो काफ़ी ऐसा आदमी मिलने बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो करता हूँ मैं, और यहाँ पे ना ठंडा बहुत है, मैं सही बताऊँ आपको इतना ठंडा है और हाथ के, क्योंकि हम ग्लेशियरों के आसपास में ही है ना। तो दोस्तों इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर, आपको मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।